सो हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेकानी से यूट्यूब चैनल में। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, रोज की तरह आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि जो फ्री डोमेन है और फ्री होस्टिंग है आप कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके, उसी उन्हीं के लिए मैं एक दो ऐसे वेबसाइट लेकर आया हूँ जो आपको डोमेन भी फ्री देगी और होस्टिंग भी फ्री देगी। ओके, तो ऐसे ही वीडियो के लिए ओके लास्ट तक बन रहे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, तो चलते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर। ओके, सबसे पहले जो वेबसाइट है फ्री डोमेन। ओके, फ्री डोमेन के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है freenom.com। ओके, आप देख सकते हैं इसका डोमेन नेम कुछ इस तरह से freenom.com। ओके, इसका लोगो कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, जो भी आपको कुछ लोगो फ्री में चाहिए तो आप सिंपल से यहाँ टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं टेक अनिस डोमेन चेक करता है या नहीं। ओके, तो यहाँ मैं डाल लेता हूँ टेक अनिस। ओके, तो यहाँ पर जाने के बाद सर्च करो या फिर चेक एबिलिटी पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो टेक अनिस के बहुत सारे इसके अंदर जो है डोमेन आ चुके हैं। ओके, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसके अंदर आपको जो है फ्री के अंदर .com और .in डोमेन नहीं मिलने वाले। ओके, तो आपको जो .tk .eml .ga .cf .gq इस तरह के डोमेन मिलने वाले। ओके, तो आप देख सकते हो अगर आपको पेड लेना है, अगर आपको पैसे खर्चा करना है तो आपको .com डोमेन लेना है तो आपको जो है परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने टेक अनिस डाल दिया, ये फ्री में डोमेन है। तो आप जो इसका यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट बनाना सीखने के लिए यूज़, या फिर आप जो है लर्निंग के लिए ये जो है डोमेन का यूज़ कर सकते हैं, इस होस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा आपको यहाँ जाने के बाद इस तरह से आपको जो है यह डोमेन मिल जाएंगे। ओके, तो आपको सिंपल सा चेकआउट करना है। ओके, अगर किस डोमेन में अगर ये चेकआउट का बटन नहीं आता है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर जो है ओके सिंपल सा मैं दूसरा नेम लेता हूँ, सिर्फ टेक लेता हूँ। ओके, टेक डालकर सर्च करता हूँ तो आप देखोगे कि देखिए यहाँ पर कुछ आया नहीं, फ्री डोमेन टेक के लिए ये नॉट अलाउड बता रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको डालना है उसके आगे आपको एनोटेशन लगा देना है .tk। ओके, .tk अगर आप चेकआउट करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर चेकआउट का बटन आ चुका है। ओके, तो आपको क्या करना है, चेकआउट पे क्लिक करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है टेक ये जो है नॉट अवेलेबल है। ओके, इस तरह से तो टेक आने से हमने लिया है, तो मैं और कुछ सर्च कर आपको बता देता हूँ। ओके, तो मैं कुछ अलग सा सर्च करता हूँ, अनस्टेक करता हूँ। ओके, तो इससे समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। ओके, तो आप देख सकते हो अनस्टेक किया है मैंने। ओके, तो आप यहाँ पर चेक एबिलिटी पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर है। ओके, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप डाल सकते हो फिर से अनस्टेक। ओके, उसके आगे आप डॉट देकर टीके डाल सकते हो। टीके डालने के बाद आप जो है चेक एबिलिटी पे क्लिक कर सकते हो। ओके, आप देख सकते हो जैसे मैंने चेक एबिलिटी पे क्लिक किया था आपको कुछ इस तरह से जी इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल सा चेकआउट पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर दो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले भी टेक अनिस किया था इसलिए। ओके, तो मुझे टेक अनिस जो है नहीं चाहिए, अब सिर्फ टेक अनिस टेक के लिए है। ओके, तो आप देख सकते हो आपके जितने मंथ के लिए यहाँ से लेना है आप सिंपल सा ले सकते हो। सिर्फ यहाँ पर 12 मंथ के लिए फ्री है, तो आप लास्ट 12 मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो। ओके, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको आगे क्या करना है, सिंपल सा आपका जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप ईमेल आईडी डाल दोगे तो यहाँ पर जो वेरीफाई माई ईमेल आ जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी में जाकर आपको जो है ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। ओके, उसके अंदर आप जो है यहाँ से गलती से भी आप जो है साइन इन मत करना, इससे क्या होगा आपको जो है एरर देगा। ओके, फ्री का है तो थोड़ा सा एरर भी देता है, तो आपको यहाँ से साइन अप नहीं करना है। सिंपल से आपको ईमेल डाल देना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई कर दोगे तो वहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, जैसे कि एड्रेस नेम ये सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो वहाँ पर
और एक एरर आ सकता है, वहाँ आपको इंडिया सेलेक्ट नहीं करना है कंट्री के अंदर, आपको जो है यूएसए ही रहने देना है। यूएसए लेने के बाद आप जो है फेक एड्रेस वहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप गूगल पे डालोगे यूएसए फेक एड्रेस, ओके, तो आपको जो है इस तरह से कुछ वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सर्च हो रहा है। ओके, तो यह फेक एड्रेस जनरेटर है, आप देख सकते हो यहाँ से आपको जो कॉपी कर जो है आपको वहाँ पर जो है एड्रेस हो गया, नेम हो गया, उसके बाद जो पिन कोड ये सब यहाँ पर आपको जो है उस एड्रेस में डाल देना है। जैसे आप उस पर डाल दोगे तो आपको जो है प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगी और आपको जो है एक डोमेन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं होस्टिंग पर। ओके, तो हमारा जो होस्टिंग है, जो फ्री में आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है, उसका नाम है आप देख सकते हो फ्री होस्ट। ओके, बोले इसका डोमेन का नेम कुछ अलग है, आप यहाँ पर देखो तो profreehosting.com ये उसका डोमेन नेम है। ओके, तो आपको गूगल पे डालते से जो है profreehost.com ये डालना है, जब डालोगे तो ये सब यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली लिखा है प्रोफेशनल फ्री होस्टिंग। ओके, अनलिमिटेड डिस्कटॉप स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, माइस्क्यूएल डेटाबेस, इजी कंट्रोल पैनल, वेबसाइट बिल्डर, 100% फ्री, नो हिडन कॉस्ट, फ्री सबमिट डोमेन, 99% अपडेट टाइम, नो फोर्स एड्स। ओके, तो इस तरह से यहाँ से आपको जो होस्टिंग यहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है या फिर आप लॉग इन कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉग इन करना है। ओके, लॉग इन करने के बाद आपको जो है उसका जो है DNA वो जो है अटैच कर देना है। ओके, सर्वर का जो होता है, ओके, DNA वो और आपका जो होस्टिंग का ये है उससे कनेक्ट कर लेना है, आपकी जो है वेबसाइट रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये जो दो फ्री के जो आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर आपको बहुत ही कामगार होंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो डोमेन है ये भी आपको फ्री में मिलने वाला है और ये जो होस्टिंग है ये भी आपको फ्री में मिलने वाले हैं। ओके, तो ये आप जो है ट्रायल बेस पे कर सकते हैं या फिर सीखने के लिए ये जो है इन सब का जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे सीखना होता है या फिर जो ट्राई करना चाहते हैं, पहले से अपना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जाकर जो फ्री अकाउंट ओपन कर लेना है, डोमेन परचेज कर लेना है और उसको पॉइंट कर देना है, कनेक्ट कर देना है और अपने वेबसाइट के साथ, और आप जो है इस पर ट्रायल कर सकते हैं, वर्डप्रेस डाल सकते हैं, HTML डाल सकते हैं, उसी के साथ साथ आप जो है बहुत सारे वेबसाइट इस पर डालकर जो ट्राई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारे डोमेन यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ओके, और आप जो है इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उसके साथ साथ आप जो है अच्छे से वर्क करने के लिए। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप जो है अच्छे से होस्टिंग और डोमेन जो है परचेस कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग बेस पे जो भी बिगनर है वो जो है इस तरह से इसका यूज़ कर अच्छी तरह से सीख सकते हैं और आपका जो है लर्निंग प्रोसेस अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।